तो आज की हमारी इस बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में हम अपना नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि हमने जैसे बताया था आपको कि हम मेनू वाइज चलेंगे, तब होम मेनू से स्टार्ट किया है कोर्स को, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लिप बोर्ड के बारे में। अब क्लिप बोर्ड, जैसे कि आप ऑफिस में आपको सबसे ज्यादा काम करने को मिलता है वो होता है कॉपी पेस्ट। हम अपने ऑफिशियल लाइफ में कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल ज्यादा ही करते हैं, और ये समझिए कि एवरेज निकाला जाए तो हर 10 मिनट में हम कम से कम एक बार कॉपी पेस्ट का काम को करते ही करते हैं। तो चलिए इसी कॉपी पेस्ट के बारे में मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो मैंने एक डेटा बनाया, एक छोटा सा डेटा बनाया, क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट आएगा, जिसमें हमारे पास फॉर्मूले है। मैंने यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ रैंडम नंबर ला दिया है, जो कि हर बार नंबर चेंज होता है। कहीं भी आप एडिट से एडिट मोड से आप बाहर आएंगे, मैं डबल क्लिक कुछ टाइप करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, तो ये अपना रिजल्ट चेंज कर देता है, फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको सेम चीज कहीं पे चाहिए, सेम चीज अनदर शीट अनदर फाइल, तो आप जो है इसको कॉपी कीजिए और जहां मर्जी वहां पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी नॉर्मल। लेकिन हमारे पास एक्सेल में पेस्ट स्पेशल होता है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कॉपीड डेटा से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही पेस्ट करें। उसके लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, और हमारे पास चॉइसेस है क्या पेस्ट करना है। सबसे पहला फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला को सिलेक्ट किया तो इस डेटा की जो फॉर्मूला है वो पेस्ट होगा। अब मुझसे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने चूज किया पेस्ट एज फॉर्मूला, तो फिर नेम रोल ये सब क्यों आया, मार्क्स क्यों आया। देखिए, पेस्ट एज फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजिबल है, जो फॉर्मूला बार में विजिबल है उसी चीज को पेस्ट करेगा, तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला का ये रोल होता है। अब पेस्ट एज फॉर्मूला के बाद अगला टॉपिक है पेस्ट एज ए वैल्यू। जैसे कि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, जो कि हर बार अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, मुझे इसकी फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करना है, ताकि वैल्यू हमारा फिक्स रहे। फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करना है, फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग एवरीथिंग, जस्ट मुझे इसकी कंटेंट चाहिए। सो हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फॉर्मूला के बाद यहाँ नीचे आपको वैल्यू दिख रहा है, इस वैल्यू पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये आपका रिमूव होके पेस्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने कॉपी करके किसी और लोकेशन पे पेस्ट किया, बट मुझे जिस जगह से हमने कॉपी किया था उसी लोकेशन को मुझे रिमूव करना है, मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि आई वांट टू रिमूव द फॉर्मूला फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। तो इसमें से अगर फॉर्मूला रिमूव करना है, जैसे 51 मैनुअल टाइप किया हुआ इस तरह से आ जाए, तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसी के ऊपर हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे, तो मेरा फॉर्मूला इसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। इसका यूज हम ऑफिशियल लाइफ में कुछ ज्यादा ही करते हैं। अब कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। मैं एक रिपोर्ट, एक डैशबोर्ड रिपोर्ट या समरी रिपोर्ट हम ओपन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप, मैं यहाँ पे कस्टमर सेल्स डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। मान लीजिए कि आप एक रिपोर्ट बनाते हो, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह लगाते हो, जैसे आपके सामने ये रिपोर्ट बना हुआ है वो इस डेटा से लिंक है, और ये हमारे पास डैशबोर्ड है, जो कि मैं यहाँ पे अगर मंथ चेंज करता हूं तो उसके हिसाब से डेटा मेरा चेंज हो जाता है। तो अब प्रॉब्लम है कि मुझे अगस्त महीने का रिपोर्ट भेजना है, तो मुझे अब पूरा क्या पूरा फाइल भेज दूं। पूरा फाइल भेजने पे दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि डेटा काफी बड़ा है, डेटा हमारा काफी बड़ा है, ये मेल पेज नहीं जाएगी। दूसरा, हमें डेटा शेयर नहीं करना है, जिसको हम भेजना चाहते हैं उनके साथ हम डेटा शेयर नहीं करना चाहते हैं।
हम क्या करेंगे, पहले तो राइट क्लिक करके हम मूव एंड कॉपी करते हैं, क्रिएट कॉपी, ताकि पूरी की पूरी शीट कॉपी होके एक नई वर्कबुक, तो मैंने यहाँ पे वर्कबुक में न्यू वर्कबुक सेलेक्ट कर लिया है, न्यू वर्कबुक पे आ जाए और आप देखेंगे कि न्यू वर्कबुक पे एक पूरी डैशबोर्ड शीट कॉपी हो, बट कॉपी तो हो गई लेकिन अभी भी ये फॉर्मूला से लिंक है। और कई सारे जगहों पे फॉर्मूला लगा हुआ है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, और आगे चार्ट वार्ट भी है यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे हमें करने पड़ेंगे ना। तो मैंने अलग अलग कॉपी पेस्ट करने के बजाय यहाँ एक वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है इसी पे हमने क्लिक करके पूरी सीट को सिलेक्ट कर लिया और कॉपी किया और इसको उसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू कर दिया एंड ओके कर दिया, तो हमें जगह जगह जाके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं रही और हमारा डेटा चेंज हो गया। इन सब चीजों के लिए हम पेस्ट एज वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो सूरज जी एंड सौरभ जी, एनी डाउट्स? नहीं सर, क्लियर। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक हमारा है कि पेस्ट एज ए फॉर्मूला, तो ये फॉर्मेटिंग, हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और पेस्ट एज ए फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है सेम ऐसे ही, जो कि हम यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करके पेस्ट करते हैं, यही आपका फॉर्मेटिंग होती है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें से कॉपी करना है कमेंट को, तो कमेंट क्या होता है कि किसी भी सेल से लेकर तो एक कमेंट हम इंसर्ट कर सकते, राइट क्लिक करके कर लीजिए इंसर्ट कमेंट, या फिर व्यू में आपके पास होता है न्यू कमेंट। तो कमेंट क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। ये इंफॉर्मेशन कब दिखता है, ये इंफॉर्मेशन तब दिखेगा जब इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे। जैसे हम कर्सर लेके जाएंगे मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जैसे हम कर्सर को हटाएंगे तो इंफॉर्मेशन हिडन हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ इसकी कमेंट्स को ही पेस्ट करना है, इसकी डेटा को पेस्ट नहीं करना है। तो पेस्ट स्पेशल में आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कमेंट्स, कमेंट्स को सिलेक्ट किया एंड ओके किया। सूरज जी क्या हो गया था, लॉग आउट हो गए थे आप? अरे सर कुछ नहीं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ओके, नेटवर्क में रहिए। हाँ हाँ, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मुझे कमेंट ने मुझे इसमें से ऑल एब्स्ट्रैक्ट बॉर्डर में बॉर्डर को रिमूव करके पेस्ट करना है, तो पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे ऑल एब्स्ट्रैक्ट बॉर्डर कर दिया तो रिमूव हो गया। दूसरी चीज, कभी अभी आपने देखा था कि मैंने एक रिपोर्ट ओपन की थी, तो उसमें आपने देखा है किस तरीके से हमने कॉलम को एक हिसाब से अरेंज कर रखा था, उसकी साइज को जिससे क्या था मतलब कि जिससे हमारी एक पेज पे प्रिंट आ रही थी। तो हम जब भी रिपोर्ट्स बनाते हैं या कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो उसकी कॉलम की जो हाइट वाइट है, उसकी जो विड्थ वगैरह है, हम उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं, किसी को कम दे देते, किसी को ज्यादा, किसी को कम, इस तरह सेट कर देते हैं। लेकिन जब इस रिपोर्ट को हम कॉपी करके कहीं और ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस पर डबल क्लिक कर दिया, अब मैं इस रिपोर्ट को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करूंगा तो क्या होगा कि मेरे ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। आ गया सर? पूरे ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो क्या करें इसके लिए, इसके ऊपर वापस हम पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और कॉलम विड्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो या एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉलम विड्थ अगर आप करते हैं, जैसे कि मैंने इस पर राइट क्लिक किया
पेस्ट स्पेशल में हमने सिर्फ कॉलम विड्थ को सिलेक्ट किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ कॉलम का विड्थ पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा। डेटा पेस्ट के लिए फिर वापस आप नॉर्मल पेस्ट करें तो आपका डेटा पेस्ट होगा। या फिर आपके पास लेटेस्ट वर्जन का एक्सेल है जैसे 13, 16, 19, तो यहाँ पे आइकन से पेस्ट स्पेशल का, इसी आइकन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ। ये क्या करेगा, डेटा और कॉलम विड्थ दोनों को एक साथ पेस्ट कर देगा। तो ये आपको लेटेस्ट वर्जन में क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को सर? नो सर। अब इसमें मैंने अपने रिपोर्ट में हमने डेट को भी इंक्लूड किया है और इसमें भी हम अपने फॉर्मेटिंग लगा दें। डेट की भी फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए क्या होगा कि जब हम इस डेटा को कॉपी करते हैं, आपकी रिपोर्ट में डेट टाइम या फिर नंबर की फॉर्मेटिंग होती होगी, जब आप उसको पेस्ट स्पेशल करते हैं ताकि इसकी फॉर्मेटिंग फॉर्मूला ना आए, तो पेस्ट करते ही ये नंबर हो जाता है। ये नंबर क्यों हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जानेंगे कि नंबर नंबर है क्या। तो मैंने अभी तक जितने लोगों से एक चीज पूछा है उन्होंने एक ही जवाब दिया है कि ये नंबर एक कोड है। क्या सौरभ जी एंड सुरेश जी, आप भी समझते हैं कि ये नंबर एक कोड है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल, कैसे करना पड़ता है सुरेश जी? सौरभ जी, आप भी समझते हैं कि कोड है? हाँ, तो आप गलत समझते हैं, एक कोई किसी तरह का कोड नहीं है। क्या होता है कि सिस्टम जो है अपना डेट जब टाइप करते हैं तो उसको डेट को डेट में स्टोर नहीं करता है, नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है। जैसे मैंने एक लिखा, एक का मतलब है फर्स्ट जैन 1900, जब इसके ऊपर हम एक दिन में पहला दिन, तो इसका मतलब है फर्स्ट जैन 1900। अब इससे एक चीज साबित होता है कि आपका इससे पहले का, जैसे मैंने लिख दिया कि 10 अगस्त 1896 या 95, ये डेट नहीं है क्योंकि हमारा कंप्यूटर कैलेंडर फर्स्ट जैन 1900 से स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ भी आके इसको देख सकते हैं, इससे आपको इससे पहले की रेट नहीं मिलेगी। तो मैंने एक दिन लिखा तो फर्स्ट जैन 1900 हुआ। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 36 दिन लिखता हूँ, यहाँ देखिए मंथ चेंज हो जाता है, 5 फरवरी 1900। अगर मैं लिखता हूँ 367 दिन, तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट जैन 1901। तो उसी तरह से जब एक हमने 1 सितंबर का डेट डाला तो 1 सितंबर था 43,709 दिन हुए थे, मैं 1 जनवरी 1900 से लेके 1 सितंबर तक टोटल दिन होते हैं 43,709। तो यहाँ पे रखा, तो ये चीज तो आप लोग क्लियर हो गई कि आखिर है क्या है, ये है नंबर ऑफ डेज, जो डेट हम डाल रहे हैं वो, और जब कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट हुआ है तब से का काउंट किया हुआ नंबर ऑफ डेज है। सौरभ जी, सूरज जी, क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन ये है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या था। हमने वर्ड में नॉर्मल डेट डालते थे, ये नॉर्मल डेट है, इस तरह से होना चाहिए था। इसका रीजन ये है कि कैलकुलेशन, जैसे कि अब किसी भी नंबर के साथ, जैसे मैंने आप लिख दिया, इस पे आप किसी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो क्या पे आप 10 अगस्त में कुछ जोड़ना चाहते हो तो नहीं जोड़ सकते। क्या है, ये एक नंबर ऑफ, ये जो है आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट में किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। बट यहाँ हम इजिली कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि ये भी तो टेक्स्ट है। तो एक्चुअली में कैलकुलेशन 1 सितंबर पे नहीं हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है 43709 पे, नंबर्स पे। तो डेट का जो फॉर्मेट है वो क्या करता है कि 30, 31, 28 दिन के बाद महीना, 12 महीने के बाद साल को कन्वर्ट कर देता है।
जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो रिमूव ऑल फॉर्मेट्स है और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है, इसलिए वो डेट को भी रिप्लेस रिमूव कर दे, डेट की फॉर्मेटिंग को भी रिमूव कर देता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको वापस डेट का फॉर्मेट लगा दें, या फिर पेस्ट करते समय आपको पता चल गया कि इसमें डेट है और डेट के फॉर्मेट को आपको रखना है लेकिन बाकी फॉर्मेटिंग नहीं रखना है, तो पेस्ट स्पेशल करते समय आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, या फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, वैल्यू है तो वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट। तो क्या होगा कि बाकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी लेकिन आपकी तो डेट की फॉर्मेट है, तो जो नंबर की नॉट ओनली फॉर डेट, तो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है डेट टाइम कॉमा डेसिमल जो होता है, इस सारे फॉर्मेटिंग को लेके आएगा। तो सौरभ जी, सूरज जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो आप समझ में आ गया ना, अगर आप आपको डेट तो वैल्यू पेस्ट करते समय डेट नंबर में बदल जाए तो समझ जाइएगा। इसे एक और समझ लीजिए, जैसे कि आपने अगर डेट लिखा तो नंबर होता है, जैसे मैंने आज का डेट लिखा तो डेट टाइप ऐसा हुआ ठीक ऐसे रहा है, लेकिन जैसे इस पे आप जनरल फॉर्मेट कर दीजिएगा, जनरल फॉर्मेट क्या होता है रिमूव ऑल फॉर्मेट, ये नंबर हो जाएगा। अगर आप टाइम लिखते जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया तो टाइम भी सेम करता है, इस पे भी अगर आप जनरल फॉर्मेट करते हैं तो आपका डेसिमल में हो जाता है, मतलब कि जैसे ही 24 घंटे पूछता है ये वन मतलब एक दिन बन जाता है, समझे? यहाँ पे मैं अगर 24 घंटे का डालता हूँ तो यहाँ पे 24 घंटा दिख रहा है, जनरल फॉर्मेट करते ही क्या हो जाएगा कि आपका एक हो जाएगा एक दिन। अगर मैं लिखा 32 घंटे 20 मिनट तो ये आपको 32 घंटे 20 मिनट दिख रहा है, लेकिन 100 में देखिए क्या है, एक दिन 8 घंटे, ठीक है सर? इसमें अगर जनरल फॉर्मेट करोगे तो आप देखेंगे कि 1.34 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि आपका टाइम डेसिमल में रहेगा, जैसे 24 घंटे पूरेंगे वापस एक क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। क्लियर है डेट एंड टाइम का फंडा? अब इसके बारे में आगे जब डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन कराऊंगा तो और विस्तार में समझाऊंगा। हेलो, हाँ पूछिए, क्या पूछना है सर? ये एक बार दोबारा बताएं, 43,725 क्या चीज डिनोट कर रहा है? 42 इसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी 43, हाँ इसकी सर। सर ये कह रहे हैं कल से हमने डेट लिखा ना, हमने डेट आज का डेट लिखा, तो ये टाइम आपको विजुअल आज का डेट है लेकिन ओरिजिनल में जो स्टोर हुआ है वो स्टोर हुआ है 43,725। सर ये आपने जैसे बताया ना कि 1.34 तो आपका नंबर ऑफ डेज शो कर रहा है। आने आपको मैं एक मिनट समझाता हूँ, तो जो डेट होता है वो नंबर में स्टोर होता है और जो टाइम आपका होता है वो डेसिमल में होता है। जैसे ये मैंने आज अभी का टाइम दे दी, अभी का टाइम दे दिया, तो अभी का टाइम क्या है 6:47, तो ये टाइम दिख रहा है, जैसे इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे ये आपको डेसिमल प्लेसेस में मिल जाएगा। तो 24 घंटे पूर्ते ही एक दिन हो जाता है, जैसे यहाँ पे 24 घंटे डाल देता हूँ तो ये आपका 1 इक्वल टू 24 आवर मतलब कि एक दिन। अगर मैंने 32 घंटे 20 मिनट डाला तो ये 32 घंटे 20 मिनट यानी कि एक दिन 8 घंटे सिस्टम ने ऐसे स्टोर किया, ठीक है? और इसका एक्चुअल वैल्यू हुआ आपका 1.347222। तो इस तरह से कुछ ऐसी सेटिंग डिजाइन की गई है कि आप जो टाइम आवर में डालोगे वो आपका रीजन आवर में होगा लेकिन स्टोर ऑफ पॉइंट्स में होगा, जैसे 24 घंटे पूरेंगे वो पॉइंट्स वन हो जाएगा, ठीक है ना? वन इट मींस वन डे, मैं 24 घंटे को इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया गया है आवर को मिनट को सेकेंड को ताकि वो पॉइंट्स बने। एग्जाम्पल
यहाँ पे हमने लिख दिया एक सेकेंड, एक सेकेंड है। तो आप इसको देखेंगे जनरल में ये आपका एक सेकेंड इक्वल टू ये रहा, दिख रहा आपको सर? फिर इसी से कैलकुलेट होते होते मिनट, मिनट से आवर, आवर से हो जाता। अब एक मिनट में कर देता हूं तो एक मिनट इक्वल टू ये नंबर होता है। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी कर देंगे, ठीक है। और एक घंटा आगे चल के इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, 0.41667 ये आपका 1 आवर इक्वल टू होता है। इसी में अगर आप 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इस पे हम आगे और जानकारी देंगे, ठीक है सर जी। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक और चीज है, जैसे कि हमने यहाँ पे 20 लिखा और वहां पे 30 लिखा, राइट। अब मैं अगर 30 को कॉपी करूं और 20 के ऊपर पेस्ट कर दूं तो 30 रिप्लेस बाय 20, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल लगाता हूं और इसपे हमारे पास ऑपरेशन जिसमें बाय डिफॉल्ट होता है सिलेक्ट नन, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया तो आप देखेंगे कि 30 और 20 रिप्लेस नहीं होगा, दोनों में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट यहां आपका 50 आएगा। ठीक है सर, हेलो। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैं चुप था सर, एक मैसेज आ गया था। ओके ये समझ में आ गया ना वो क्या करता है जी? तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो डिवाइड हो जाएगा, सबट्रैक्ट करो तो सबट्रैक्ट है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसका हम ऑफिशियली यूज क्या है? कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हेलो सौरभ जी, सूरज जी जी सर, इसका ऑफिशियली यूज क्या होगा यही आपको रिसर्च करना है। मेरे पास एक दो यूज है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका यूज बताएं, रिसर्च कर। इसी टाइम पे हम आपको पेस्ट स्पेशल की अगली टॉपिक एडवांस पेस्ट स्पेशल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप पेस्ट स्पेशल का ये जो मैं पेस्ट स्पेशल में कैलकुलेशन बताया इस कैलकुलेशन का एक ऑफिशियल यूज बताया।
इधर में कॉपी करते हैं, इस पे पेस्ट स्पेशल करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया या सब्ट्रैक्ट हो गया, ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा? ठीक है सर जी, क्या मुझे करके देगी आज की रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज देता हूँ, मिल जाएगा, और कल हम इसी टाइम पे मिलते हैं, ठीक है सर? ठीक है, ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, ओके।